Shahidul Islam bhai, every Bangladeshi boy is teased by 15-15-25. Not why? 15-15 not 25. 15-15 is 30. Sahi hai bhai. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिरोज अहमद खान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल मजे में होंगे। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं जी हांगचू में, और फिलहाल हम यहाँ पे रूम पे स्टे कर रहे हैं। ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा रूम है। ये शाहजी इधर आ, काफी दिनों से लोग आपको मिस कर रहे थे। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। यहाँ पे 8 हो रहे होंगे, पाकिस्तान में 5 हो रहे होंगे, लेकिन ईद मुबारक सबको। जब तक व्लॉग आएगा तब तक ईद गुजर चुकी होगी। शाहजी मेरे ऑडियंस के साथ बात करो, आपको बहुत मिस कर रहे थे कि शाहजी किधर गया। खैर ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी जी हम रेडी हो रहे हैं, कपड़े वगैरह इस्त्री करने तकरीबन हो रहे हैं, टाइम 6, तो हमने जाना है मस्जिद। और मस्जिद हमारे जो हांगचू सिटी में, शाहजी कितना दूर है? 40 और 50 मिनट लग जाते हैं मस्जिद जाने में। तो हमें मतलब 7 बजे निकलना है, 8 बजे नमाज के लिए जाना है। तो अभी शाहजी घुस रहा है जी वॉशरूम में, तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। शाहजी रेडी हो रहे हो? और फिलहाल मैं आपको रूम चेक कराता हूँ। हुलिया बड़ा गंदा है रूम का, लेकिन क्योंकि चीजें वगैरह हमने बिखेरी हुई है, लेकिन फिर भी रूम चेक करो, बहुत ही प्यारा रूम है, लग्जरी रूम है कसम से। ये चेक करो, आय हाय 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 हाय। और सुबह सुबह का टाइम है, आपको व्यू चेक कराता हूँ। आए बादलों वाला मौसम। यार अभी जी हम लगे हुए शलवार कमीज इस्त्री कर रहे हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। शाहजी अभी आया यूनिवर्सिटी से, और मैं भी नहीं सोया, मुझे भी नींद नहीं आई। मैंने कहा नमाज फिर रह जाएगी अगर सो गए। शाहजी फिर रेडी हो रहे हो? मैं भी यार कपड़े शपड़े इस्त्री करते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। ओके She puts her hand in mine. We wanna chase the night. हाय यार, तो वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक। शाहजी कैसे हो? ठीक हो? मुबारक हो आप, तैयार हो गए हो? हाँ जी, हाँ जी, तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं नमाज की तरफ। अब 8 बजे तकरीबन नमाज होने वाली है, और 6:40 है फिलहाल, तो तकरीबन हमने पहुंचना भी 40-50 मिनट में है, तो थोड़ी देर तक निकलते हैं। वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत दिल से, जो पाकिस्तान में है एंजॉय कर रहे होंगे। शाहजी सारे घर में हैं, और जो हमारे क्लासमेट्स हैं यूनिवर्सिटी में, जो सबको नहीं मिल सकते उनको भी ईद मुबारक, और जो हमसे नाराज है या जिनसे हम नाराज हैं उनको भी ईद मुबारक है। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर में निकलते हैं, और फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ने जाएंगे, तो मिलते हैं फिर। हम निकल आ चुके हैं जी होटल से। शाहजी मौसम कैसा है? मौसम तो काफी अच्छा, चस का मौसम है यार, अल्लाह करे बारिश ना हो। शाहजी सारा सीन खराब हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, और हमने वेस्ट कोट वगैरह, शाहजी ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ, सारा सीन खराब हो जाएगा। अभी हम निकल पड़े हैं, जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। शाहजी तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? चेचांग चुंगयांग ताशवे, चेचांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी। शाहजी अच्छी है? अच्छी है, अच्छी है, हमारी यूनिवर्सिटी से अच्छी है। रैंकिंग और शाहजी पे शांडोंग शांडोंग है, रैंकिंग में तो हर बंदे के मुंह से शांडोंग सुन रहे होते हैं। लेकिन जो इतना एक्सपेंस जो है पे नहीं कर सकते, जो इतने एक्सपेंसिव सिटी में नहीं आ सकते, उनके बारे में क्या कहना। हांगचू एक्सपेंसिव है, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पैसे कितने लगेंगे शाहजी महीने के? जितने आज ही खत्म हो जाते हैं। 60-70 हज़ार तो मिनिमम है शाहजी, मिनिमम हो सकते हैं। जितना बंदा जो है, जितने होते हैं उतने लग जाते हैं। ये हांगचू बड़ा एक्सपेंसिव है, उसके हिसाब से हमारी जो सिटी है तायान, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है शांडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर पैसे कम लगते हैं। आपके पास अगर 20,000 भी हो शाहजी, महीना चल जाता है इजीली, तो ये सिस्टम है। शाहजी हमने मेट्रो पे जाना है या टैक्सी पे जाना है? शायद मेट्रो पर नहीं, अभी देखते हैं। अगर टैक्सी पे लगते हैं आधा घंटा तो फिर जाएंगे टैक्सी पे।
अगर टैक्सी पे और मेट्रो पे सेम टाइम लगता है तो फिर मेट्रो पे जाएंगे। आई थिंक अगर सारे जाते हैं तो मेट्रो पे ठीक है, सारे अभी फिलहाल मेट्रो पे ही होंगे, लेकिन पता नहीं है ना कि मेट्रो। फिलहाल हम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि कौन कौन जा रहा है, मतलब कि मेट्रो से। सारे अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। तो फिलहाल पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी। यारा जी हम इल्लीगल तरीके से इंटर हो चुके हैं। शाह जी अगर ये किसी दिन इसने पकड़ लिया फिर कल इसने मुझे पहले तो उसकी आएगा। कल इसने मुझे पकड़ लिया था, मेरे पास कार्ड नहीं था कि आप क्यों इंटर हो रहे हैं, किसका कार्ड लेके। मेरे पास किसी का कार्ड था तो मैं बताऊंगा नहीं किसका कार्ड था, तो वो कार्ड लेके मैं इंटर हो रहा था। तो कहते हैं ये तो किसी और का कार्ड है, तुम्हारा कार्ड किधर है। फिर कहता है कि आप तो इधर के स्टूडेंट नहीं हो, मैंने आपको नहीं देखा। फिर मैंने बोला मैं दूसरे कैंपस से हूँ तो बस रहूँ। तो उसने कहा कि अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इधर लिखो और अपना चाइनीज़ नेम लिखो। मुझे अपना चाइनीज़ नाम लिखते हुए ना शाहजी का कैरेक्टर कैसे लिखूं। तो ये जी हमारी शाहजी आपकी चेचांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि अगर आपके 50% मार्क्स भी है तो आपको एक्सेप्ट कर सकती है। तो जिन्होंने एडमिशन लेना है नीचे कमेंट करो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो, आपका एडमिशन करवाते हैं। क्यों शाहजी करवा लेंगे ना, करवा लेंगे। 50% भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी सबको एक्सेप्ट करती है। बहुत पाकिस्तानी अदर लेकिन यूनिवर्सिटी चस किया है। क्यों शाहजी माहौल तो है ना प्यारी है यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी ना होती तो मैं ईद मनाने इधर आता नहीं। शाहजी तुम्हारी वजह से आए हो यार, यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं आया, शाहजी की वजह से आए हूँ। शाहजी आज बहुत प्यारा लग रहा है। शाहजी कैसे लग रहे हो? शाहजी मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे ये बताओ। ये शशके मार रहा हूँ। ये दूसरी दफ़ा मैं शलवार कमीज पहन रहा हूँ। तो फिलहाल आपको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, सिनेमैटिक व्यू चेक करें। शाहजी कैन यू हेल्प मी टू say something about your university, जो जो अगर चेचांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वो तो पहले सबसे पहले मेरे से कॉन्टेक्ट करो, मेरे नंबर पर मैसेज करो, आपका एडमिशन कराते हैं। और दूसरा अगर आपको यूनिवर्सिटी देखनी है और यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछना है तो वो भी नीचे कमेंट में बता दो। और बाकी अभी शाहजी सारा बताता है। शाहजी बताएं यूनिवर्सिटी के बारे में। चेचांग चुंगिया उताशवे, वैसे सिटी जो है हांगचू है, तो चेचांग प्रोवेंस है। और करेंटली मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक का टाइम अच्छा गया, आपके जो कोर्सेज हैं एज़ कम्पेयर पाकिस्तान बिल्कुल सिमिलर बुक्स हैं, सिमिलर कोर्सेज हैं। अभी कुछ लोगों की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो रिगार्डिंग यही होती हैं, लैंग्वेज बैरियर और कैसा पढ़ाते हैं कैसे नहीं। तो हम सेकेंड ईयर तक यहीं पढ़े हैं और इंशाल्लाह अभी पूरा परस्यू करेंगे। अच्छा शाहजी अगले कुछ दिनों में इस पर वीडियो बना लेंगे, तेरा इंट्रोडक्शन भी लेंगे। फिलहाल ये बता कि ये सामने क्या है, ये कौन सी बिल्डिंग है, सरसरी बता दे सबको। ये है जिमनेजियम और यहाँ प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट एथलीट्स। अच्छा और सामने वो सामने है हमारी कैंटीन, वो लिटरली सारी कैंटीन है और इतना बड़ा पाकिस्तान में एक मॉल होता है। और ये क्या है? ये है म्यूजिकल सर्कल जहाँ बस लोग आके बैठते हैं थोड़ी रात को, टिम्बो गप्पे शप्पे मारी बैठ। इन सब चीज़ों का मुझे पता है लेकिन मैं शाहजी से इसलिए पूछ रहा हूँ कि शाहजी आपको बताए, क्योंकि शाहजी इधर स्टडी कर रहा है, हम तो जस्ट इधर क्या करने आए हैं, मुँह मारने आए। और इसके अलावा आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा शाहजी ये बताओ ये सामने क्या लगा हुआ है? ये सामने ये एक स्टैचू है, कोई इनके किसी ये कोई मेडिसिन रिलेटेड PCM से रिलेटेड शायद। नहीं पाकिस्तानियों की जबान में बताओ पाकिस्तानी इसको क्या कहते हैं। हमने जो है हम निक नेम देते हैं हर जगह को, पाकिस्तानियों की एक आदत होता है, हम उसको निक नेम दिए चाचा। जिसने कही कहना तो चाचे के पास आ जाओ, ये स्टैचू है इसको चाचा कहते हैं। शाहजी इज दिस अ प्रेजेंट? ये जी आपकी जेल है, आप यहाँ पे शाहजी क्या करते हो? आप एक ही रूम में चार जानवरों के साथ बंद होते हैं यहाँ पे। अब ये भी बताओ ना कि कौन कौन सी बिल्डिंग मौजूद है? 9 बिल्डिंग है और उसके बाद 12 की वैसे वो डिफरेंट जो है, मतलब आपकी मर्जी होती है आप कौन से बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन ये वाले जो डॉम है यहाँ पे शाहजी कितने एक रूम में कितने रहते हैं? चार बंदे मिलेंगे एक रूम में और रूम बहुत कंजेस्टेड है इस हॉस्टल में। लेकिन उसी अक्रॉस द ट्रीज राइट देयर देयर इज अनदर हॉस्टल, सो वो उसे 12 नंबर बिल्डिंग और उसमें आपको एक सिंगल पर्सन के लिए भी बेडरूम है। लेकिन
प्राइसेस वेरी करती है, जितनी आपको लग्जरी चाहिए उतनी प्राइस हाई। अच्छा, जिन लोगों को कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट में लाजमी बताना यूनिवर्सिटी के बारे में। फिलहाल अभी हम नमाज का टाइम है तो नमाज के लिए जाएंगे, और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो शाहजी हमारे साथ है कुछ दिनों के लिए, शाहजी हमें सारा बताएंगे। मुझे भी सारा ऑलमोस्ट पता ही है, लेकिन शाहजी इधर पढ़ रहे हैं तो शाहजी को ज़रा डिटेल से पता है। तो लाजमी कमेंट नीचे करो, अगर किसी को एडमिशन चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मेरे नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो शाहजी बताएगा फिर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में। फिलहाल अभी नमाज का टाइम है तो देखते हैं कि क्या सीन है। हाँ शाहजी, तो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि आज मस्जिद जाते हैं, जरा अपने पैसे लगा के जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में हराम नहीं है। शाहजी वैसे पहली बार देख रहे हैं, QR कोड स्कैन करना पड़ेगा मस्जिद के लिए? यार यहाँ पे ये सिस्टम है, मस्जिद जाने के लिए भी ना पहले बुकिंग करनी पड़ती है। क्यों शाहजी? अभी हमने सब ने बुकिंग की है, अभी ट्रेन में हमने बुकिंग की है और हमें QR कोड मिला, अब QR कोड से हम इंटर हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद और अभी नमाज पढ़ते हैं, लेट हो गए हैं शाहजी। यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से ईद उल फितर की नमाज हमने अदा कर ली है। शाहजी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कह दीजिए। बहुत ईद मुबारक आप सबको, जो भी देख रहे हैं कमेंट में सारे ईद मुबारक लिखो। अभी पाकिस्तान की बात नहीं हुई होगी ना? फिलहाल आपको व्यू चेक करा दीजिए, चेक करो। आए हाय 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 हाय। तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने अभी हमने नमाज पढ़ लिया है, थोड़ी देर में हम निकलते हैं। हमने आज शिया भी सुन ली है, ये शिया जो हाथ खोल के नमाज पढ़ता है उसने भी हाथ बांध के नमाज पढ़ ली। जैसी वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, अच्छे खासी मेजोरिटी में तुम्हें शाम बोल रहे हैं। पाकिस्तान ये तो बोल रहे हैं, हम तुम्हारे को बोल रहे हैं, तुम्हारे क्या बोल रहे हैं। शाहजी नमाज के बाद भूख लग गई? कोई बात नहीं, अल्लाह देता है। भीगे भीगे नहीं है? फीके फीके हों तो शाहजी, हम चूंकि मस्जिद के बारे में एनी रिव्यू, यार बहुत प्यारा मस्जिद है कसम से। कितने फ्लोर हैं? कितने फ्लोर होंगे? ठीक है, 4 फ्लोर है। इतनी बड़ी मस्जिद पाकिस्तान में होती थी तो मजार के लाती थी कसम से। और सबसे जो अच्छी चीज़ है, बादशाह अकबर भी लाइक, मैं तो बादशाह मस्जिद ऐसी बना गया था, उसको मस्जिद रहने दिया, टूरिस्ट प्लेस बना लिया। तो कसम से बहुत प्यारी मस्जिद है यार। हम चुम एक ही है, दो मस्जिद हैं, बट ये सबसे बड़ी आई थिंक दूसरी वाली बंद है, ओपन। कितने फ्लोर होंगे इसके? 5 तकरीबन, 5 फ्लोर है। बहुत बड़ी मस्जिद है कसम से, बेहतरीन। शाहिद उल इस्लाम भाई, एवरी बांग्लादेशी बॉय इज टीज्ड बाय 15-15-25 बॉय, 15-15 नॉट 25, 15-15 30।